क्या आपकी औरत पतिव्रता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था आज से सैकड़ों साल पहले शाहजहां के दरबार दिल्ली में। हुआ यूं कि भारत पर उस समय शाहजहां बादशाह का शासन था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। जहां तक बादशाह का राज था, वहां की सभी छोटी बड़ी रियासतें दिल्ली राज के अधीन आती थी। एक समय की बात है, बादशाह का दरबार लगा हुआ था, सभी अधीनस्थ राजा वहां विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हास परिहार के बीच अचानक बादशाह ने प्रश्न किया कि जितने लोग विराजमान हैं उनमें से किसकी औरत पतिव्रता है। अचानक सारे दरबार में शांति छा गई, सब राजा महाराजा चुप हो गए। बादशाह ने फिर कहा कि जिसकी औरत पतिव्रता हो वह हाथ ऊपर करे। सभी राजाओं ने अपनी बेइज्जती होती देखकर सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर कर लिए। बादशाह का फिर फरमान जारी हुआ कि जिसकी औरत पतिव्रता हो वही हाथ ऊपर करें, क्योंकि उसकी औरत की मेरे दूत के द्वारा परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में झूठा साबित होने पर उस आदमी को सरेआम फांसी दे दी जाएगी और जो सही निकला उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अरे ये क्या, सारे ही राजाओं ने हाथ नीचे कर लिए, एक भी हाथ ऊपर नहीं रहा। सारे हाथ नीचे क्यों? क्योंकि किसी भी राजा महाराजा को अपनी औरत पर विश्वास नहीं रहा कि यार इस औरत जात का क्या भरोसा, हम यहाँ से की भगा रहे हैं। दे और सब जन परीक्षा के लिए दूत भेजा जाए तब पता नहीं क्या हो और जाते किस लोभ लालच में फंस जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूध भेजा जाएगा वह प्रलोभन देकर ही ऐसी बात करेगा। हमारे पास औरतों को ऐसी बात के लिए आगाह करने का समय भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या हो, क्या भरोसा औरत जात है, चूक जाए तो हमारे तो सरेआम फांसी की सजा हो जाएगी। और बादशाह अपने वादे का पक्का है, वह किसी तरह की सजा बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। ये सोचकर बैठे हुए सभी राजा महाराजाओं ने अपने हाथ और गर्दन नीचे कर लिए। सभा में सन्नाटा छा गया, सब एक तरफ शांति छा गई। लेकिन बादशाह ने ये नजारा देखकर अफसोस करते हुए फिर कहा कि क्या इस आन बान और शान पर मर मिटने वाले भारतवर्ष में वीरांगनाओं की कमी हो गई है? क्या भारत भूमि पर अब पतिव्रता औरतें नहीं रही? क्या हो गया ऐसा? या आप लोगों को अपनी औरतों पर विश्वास नहीं रहा? अगर आप लोगों ने विश्वास खो दिया तो धिक्कार है ऐसे पुरुषत्व पर। लेकिन ठीक उसी समय राजस्थान नागौर का राजा अमर सिंह राठौड़ खड़े हो गए और भरे दरबार में गरज कर बोले, बादशाह सलामत, बेदबी के लिए क्षमा चाहता हूँ। बादशाह सलामत, मुझे फांसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं भरी सभा में ऐलान करता हूँ कि मेरी औरत पतिव्रता है, उसकी परीक्षा की जा सकती है। सारी सभा अमर सिंह राठौड़ की तरफ देखने लग गई। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये होशियारी में खड़ा हो गया है, लेकिन ये बादशाह के राजदूतों को नहीं जानता। वे शाम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाएंगे और अपने आप को सही साबित करने के लिए वह कुछ भी कर लेंगे और इस अमर सिंह राठौड़ की पत्नी को गलत साबित जरूर करेंगे और फिर इस अमर सिंह राठौड़ को फांसी पक्की है। ये सोचकर सभी राजाओं ने अपनी मूछों पर हाथ फेरते हुए कह कह लगाया और कहा कि अमर सिंह अपनी गलती मानकर बादशाह से माफी मांग ले और अपनी बात वापस ले ले, नहीं तो इज्जत और जान दोनों ही जाएगी और जात का कोई भरोसा नहीं है। बादशाह ने भी कहा कि राजन, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है, इस बात पर फिर विचार करो। लेकिन अमर सिंह राठौड़ ने दुगनी जोश और उसी अंदाज में कहा कि हुजूर, मुझे फांसी की परवाह नहीं है, राजपूत जबान के पक्के होते हैं, वह अपनी जबान से विमुख नहीं होते। मैं फिर दोहराता हूँ कि मेरी औरत पतिव्रता है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, इसकी परीक्षा ली जा सकती है। बादशाह ने कहा, राजन फिर सोच लो। लेकिन अमर सिंह राठौड़ ने कहा, हुजूर मेरा फैसला अटल है। बादशाह ने तीन ताली बजाई, ताली की आवाज सुनकर दूत उपस्थित हुए। बादशाह ने उनको सारी बात समझाई। सारी बात सुनकर उन दूतों में शेर खान नाम का दूत भी था। दूत शेर खान आगे आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, अगर मुझे 2 दिन की मोहलत दे दी जाए तो सारी पोल खोलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। इस पर बादशाह कहने लगा, शेर खान तुझे 2 दिन की नहीं 10 दिन की छूट देता हूँ, लेकिन औरत का सही रूप प्रकट होना चाहिए। खूब मोरे असरफिया देकर शेर खान को विदा किया जाता है। शेर खान नागौर के लिए कूच करता है। शेर खान नागौर के आसपास के गांव में राजा अमर सिंह राठौड़ और उसकी पत्नी जिसका नाम कर्णवती था, व्याहाड़ा वंश की बेटी थी, के बारे में पता करना शुरू कर दिया। उनके चरित्र के बारे में पता लगाया। दासियों से, दूतों से रुपया पैसा लालच देख के सभी जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन रानी कर्णवती के बारे में कोई ऐसी गलत सूचना नहीं आई। सब तरफ से हार थाक कर एक ही जवान मिला कि राजा अमर सिंह राठौड़ की रानी कर्णवती एक बेहद सुंदर, सुशील और नेक विचारों की बहादुर छत्राणी है।
और एक पतिव्रता औरत है। वह तलवार और घुड़सवारी में पारंगत है। समय आने पर वह रणक्षेत्र में सेना का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये ऐसी बातें सुनकर शेर खान घबरा गया, लेकिन वह सभा में बड़ी बड़ी बातें करके आया था तो सोचा, मैं वापस जाकर दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मेरी तरफ हिकारत भरी नजरों से देखेंगे और कहेंगे कि जाते समय तो बड़ी बड़ी डींगे हार रहा था, हाँक कर गया था और अब बिल्ली सा मुंह लेकर वापस आया है। और इस अमर सिंह राठौड़ और रानी कर्णवती का तो मान सम्मान और इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, बाकी तमाम राजाओं और मेरी तो नाक हमेशा के लिए कट जाएगी। उसने विचार किया कि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा विचार करके शेर खान के दिमाग में एक युक्ति आई। शेर खान ने एक ऐसी दासी का पता लगाया जो कभी अमर सिंह राठौड़ के राज दरबार में दासी का कार्य करती थी और बूढ़ी होने के कारण काम काज छोड़कर रिटायरमेंट का जीवन जी रही थी। दासी पुरानी थी, राजघराने के सारे राज वह जानती थी। उस दासी ने शेर खान से संपर्क किया और अपनी धर्म बहिन बना ली। उपहार स्वरूप उसे बहुत सी मोहरे दी। मोहरे पाकर वह दासी बहुत खुश हो गई। उस दासी की खुशी देखकर शेर खान ने बादशाह के दिल्ली दरबार की बात दासी को बताई और अपने अपने आने का प्रयोजन दासी को बताया और कहा कि बहिन, सुना है अमर सिंह की रानी पतिव्रता है और किसी प्रलोभन में फंसने वाली नहीं है। इस पर दासी ने भी कहा कि भाई, बात बिल्कुल सही है, रानी का चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा है। इस पर शेर खान बोला, बहिन बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगा? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? दासी बोली कि हे भैया, इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? इस पर शेर खान ने कुछ मोहरे और देकर कहा, बहिन एक काम किया जा सकता है। दासी ने लालच में आई और बोली, बोलो क्या कर सकती हूँ? शेर खान बोला, बहिन हम हकीकत में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई झूठा कलंक तो लगा ही सकते हैं। तुम राजघराने में जाओ और रानी की ऐसी कोई निशानी लेकर देओ जिससे यह साबित हो जाए कि रानी पतिव्रता नहीं है। इस पर दासी ने विचार किया और सोचा कि मैंने कई वर्षों तक राज दरबार की सेवा की है, इसलिए मेरे आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। मैं आसानी से वहां जा सकती हूँ और ऐसा कोई सबूत जरूर ला सकती हूँ जो रानी कर्णवती को गलत साबित कर सकता हो। दोस्तों, रानी कर्णवती के कलंक लगाने के लिए दासी ने क्या चाल चली? क्या रानी कर्णवती गलत साबित हुई? क्या शेर खान की चाल कामयाब हुई? क्या अमर सिंह राठौड़ को फांसी लग गई? बादशाह के दरबार में राजाओं के सामने अमर सिंह राठौड़ और शेर खान के साथ क्या घटना घटी हुई? क्या रानी कर्णवती साबित हुई? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस कहानी का भाग 2, क्या आपकी औरत पतिव्रता, देखें और ये कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल को जरूर दबाएं। धन्यवाद।